हुकूमत का पंजाब में आम इंतखाबात अक्टूबर में करवाने का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया गया। 30 अप्रैल को इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाजा हो जाते। कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो दो सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। एक शख्स की मर्जी पर आइन नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असम्बली तोड़ दे, ये नहीं चलेगा। मरियम औरंगजेब। पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो चुका। आइन की हिफाजत के लिए हर किसी को अदलिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी दो सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद के साथ तहलील कर दिया कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। इमरान खान। इमरान खान ने जुमान पार्क में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन मुलतवी किए जाने पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा का लाया अमल भी तय किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से भी बातचीत शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आईनी बहरान पैदा कर दिया। आइन में वाज़े है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। निगरान हुकूमत की अब कोई हैसियत नहीं। मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। चीफ जस्टिस कह चुके शफाफ इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत करेंगे। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जमहूरियत को दांव पर लगा दिया गया। शेख रशीद। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लाहौर में बैठा शख्स इदारों का कोई एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की मीडिया टॉक। इस वक्त मुत्तहिद रहने की जरूरत, मिलकर मुआशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा, दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। पीटीआई का दोहरा मयार और यू टर्न कई बार बेनकाब हो चुके। ऑडियो लीक से साबित हो चुका ये अपनी जाती सियासत के लिए पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने का मंसूबा बना रहे थे। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए एक और लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदा किया। इमरान खान को इन मुआहदों के हवाले से कौम को वजाहत देना होगी। शेरी रहमान। झूठ, नफरत और फसादी सियासत का इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं। जमहूरियत और आइन और कानून की पाबंदी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आज तजदीद अहद का दिन है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। हमजा शहबाज। तजदीद अहद वफा का दिन यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात, हिम्मत और जुरत की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को खिराज अकीदत पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जन्नत नज़ीर वादी नीलम में यौम पाकिस्तान की तकरीबात। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया के इश्तराक से LOC से मुलाहिका कैलन के मकाम पर मरकजी तकरीब। पाक फौज और स्काउट्स के मुश्तरका चाक चौबंद दस्तों की सलामी। तकरीब में यादगार कश्मीर सेल्फी वॉल का भी इफ्तिताह। 8 मकाम से कैलन और 2 धनियाल से कैलन तक रैली भी निकाली गई। खराब मौसम के बाइस ऐवाने सदर में होने वाली परेड मुलतवी। परेड अब 25 मार्च को होने का इम्कान। किफायतशारी पॉलिसी के तहत रवां साल मुसल्ला अफवाज की परेड ऐवाने सदर मुंतकिल की गई थी।
यौम पाकिस्तान, मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली, मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल इमरान माजिद अली ने परेड का मुआयना किया, मजार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। यौम पाकिस्तान, वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और आला शख्सियात की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फातिहा खानी, सूबाई वज़रा भी साथ, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत की कौम को मुबारकबाद, बानिया ने पाकिस्तान के जिद्दोजहद और लाजवाब कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आरिफ अलवी का पैगाम, आज का दिन मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र की दावत और खुशहाल मुस्तकबिल की तहरीक देता है। 75 साल के सफर ने हमें जंगों से निबर्द आजमा होते, बहरानों से निमटते देखा, हमने इन चैलेंजेस को भी नज़रअंदाज नहीं करना जो हमारे सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आपका टीवी प्रोग्राम नुक्ता नजर 2000 से जायद एक साथ मुकम्मल कर चुका है, आपको तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया जा चुका है। सहाफत के शोबे में आपकी गराह कदर खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मुजीबुर रहमान शामी को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाजात देने की पुरवकार तकरीब, सहाफत के शोबे में गरा कदर खिदमात पर दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ते नज़र के सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। फन के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर अदाकार कवि खान को निशान इम्तियाज बादस वफात अता किया गया। अदाकार सुहेल अहमद ने उनका एवॉर्ड वसूल किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली दीगर शख्सियात को भी एहसासात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान पर एजाजात देने की तकरीब, कौमी कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात ने एजाजात वसूल किए। गवर्नर हाउस पेशावर में भी तकसीम एजाजात की पुरवकार तकरीब। अमरीका तालुकात में अहम संगे मील, अमरीकी कांग्रेस ने पहली बार 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाने की करारदाद पेश। करारदाद न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन जमाल हाउमिन ने पेश की। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान जमाल बाउमिन के शुक्रगुजार। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, इस्लामाबाद में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने हसान न्याजी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमात के हवाले से जीआईटी तश्कील, एसएसपी इमरान किश्वर सरबरा होंगे। पंजाब हुकूमत का इमरान खान पर मुबैना कातिलाना हमलों की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का भी फैसला। वफाकी काबीना ने आवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने की मंजूरी दे दी। सस्ते पेट्रोल की फराहमी के हवाले से मैकेनिज्म तश्कील दे दिया। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सस्ता पेट्रोल फराहम करने पर तफसीली ब्रीफिंग। मुकद्दस माह आते ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म, कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सहर व इफ्तार का अहतमाम मुश्किल। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां दस्तरस से बाहर। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर समेत कई शहरों में मुफ्त सरकारी आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, इस्लामाबाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान, याला बारी भी मुतवक्के।